गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब लोग घर पे सुरक्षित होंगे। सब लोग अपनी अच्छे से अपनी सब की केयर रख रहे हैं। तो हमने लेसन नंबर 9 पढ़ा, पोपटे खादी पाकी के लिए। पोपटे खादी पाकी के लिए आप सब लोगों ने उसकी पीडीएफ मैंने भेजी है, आप सब लोगों ने लिख लिया होंगे लेसन आंसर अपनी पेयर नोटबुक में। अब हम आगे करने जा रहे हैं लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 बड़ दादा। तो जो बड़ का पेड़ होता है, वो जो पेड़ के बारे में कहा है, वो पेड़ का नाम है, जैसे हम इंग्लिश में उसको बोलते हैं बनियान ट्री। तो वो पेड़ आप सब लोगों ने देखा ही है। पहले के समय में जब अपने दादा और ये पोते जब भी कोई भी ऐसे ही कभी भी घुमाने के लिए लेके जाते हैं, तो फिर वो शाम के समय वहाँ पेड़ के नीचे आराम से वो दादा बैठे रहते हैं और उनको खेलने के लिए वहाँ पर लेके जाते थे। तो ये चैप्टर में यही कहा गया है कि ये पेड़ के बारे में समझाया गया है, ये पेड़ कैसा है और उनके फल और वो कलर, उनके रूट्स, तो ये सब के बारे में हमको समझाया है। तो हम रीडिंग के साथ एक्सप्लेन भी करेंगे। चलो आप सब लोग टेक्स्ट बुक निकालें। आप सब लोगों ने टेक्स्ट बुक निकाली, तो चलो हम देखते हैं चैप्टर नंबर 10 बड़ दादा। यहाँ पर आपको पेड़ देख ही रहे हो, बड़ का पेड़ कितना बड़ा है, मतलब कि ये पेड़ बहुत बड़ा होता है और मोस्टली ये गांव के एंड में, जहाँ पर मतलब कि जहाँ पर सब रहते ही नहीं, जहाँ पर पूरा गाँव होता है और वहाँ पब्लिक से मतलब कि एकदम आगे की जगह पर एंड में जहाँ पर ये पेड़ बना हुआ होता है। तो ये पेड़ आप देख रहे हो, यहाँ पर दादा बैठे हुए, दोनों बच्चे बैठे हुए हैं और ये लटक रहे हैं, वो भी बूढ़े हैं, उसके अंदर फल भी होते हैं, वो भी रेड कलर के होते हैं, उसको बोलते हैं टेटा। तो यहाँ पर जो खेतर है पीछे, वहाँ पर एक जो बेल चलाकर वो खेती भी कर रहे हैं पीछे, तो ये आपने देखा। तो अब हम करेंगे रीडिंग के साथ, मैं आपको एक्सप्लेन भी करवाती जाऊँगी, तो आप सब लोग देखो। जतिन एना दादा साथे फरवा गयो, गामना पादरे एक मोटू जा, तेने जोयू झाड़ लगतू वढ़ू, बड़ जोई जतिन राजी थई गयो। गामना पादरे जतिन उसके दादा के साथ घूमने के लिए गए, पर वहाँ पर देखकर उसने क्या देखा, ये बनियान ट्री बढ़नू झाड़ मोटू अने तेने जोई अने झाड़ हतुं एकदम मोटू, उसको देखकर उनको एकदम खुशी भी हुई और वो राजी थई गयो, मतलब कि बहुत खुशी हुई। तो गामना पादरे, पादरे मतलब कि गांव जो होता है, मैंने अभी बोला था कि वो एंड में होता है जहाँ ये पेड़ होता है, जहाँ पर खेत होते हैं, मतलब उस साइड ये बना हुआ होता है जहाँ पर रहते हैं वहाँ ने सब लोग। और वो जो उसके बाद जहाँ पे जो खेत बने हुए उस साइड पे ये पेड़ बने हुए होते हैं। लाल लाल बेटा जो जतीन एक बन, लाल लाल बेटा उसके बेटा मतलब उसके फल का नाम है बेटा बोलते हैं उसको, वो रेड कलर का होता है। जल्दी ने कहे, उसने कहा दादाजी आ सोचे, दादाजी कहे आ बड़ दादा नु फल छे, ये बनियान ट्री का फल जो वो रेड कलर का, आप सब लोगों ने भी देखा होगा। जल्दी दादा ना खब्बा ऊपर बेसी ने पान जोवा लाग्यो, जतिन दादा ना खब्बा ऊपर, वो दादाजी के शोल्डर पे, खब्बा मतलब शोल्डर, शोल्डर पर बेसी ने पान जोवा लाग्यो, उनके पत्ते को अच्छे से उसने हाथ में पकड़ कर वो देखने लगा। बड़ दादा ने तो मोटा मोटा पान हटा, बड़ दादा ने तो मोटा मोटा, उसके पत्ते जो होते हैं वो एकदम बड़े होते हैं, पान का नीला नीला छम जो उसके पत्ते होते हैं वो एकदम हरे भरे ग्रीन कलर के होते हैं, नीला छम मतलब के एकदम हरा ग्रीन कलर। बड़ दादा ने थर को खूब जानू बतू, जतिने थर ने बात करी पर थर बात में न आवा,
उसका जो थाट था एकदम, मतलब कि इसकी चौड़ाई इतनी बड़ी थी कि उसको जल्दी एकदम से उसको पकड़ने गया, फिर भी वो उसको पूरा पकड़ नहीं पाया। बात बड़ी बात का मतलब कि उसको पकड़ना। थर्ड बात मां न आगे उसको अच्छे से पकड़ नहीं पाया। वडला ऊपर जति ने नजर नाखी तो एनीदार ऊपर एक बांदरो बैठो बन। उसके बाद उसने वडला ऊपर उसके पेड़ के और ऊपर उसने नजर डाली, अपने ध्यान दिया तो वहां पर एक बांदरो जो बंदर बैठा हुआ था पादरे एक केसुड़ा के झाड़ पर बैठो, और वहां राम ने पादरे जैसे बने हुए थे वहां पर केसुड़ा का और एक फूल भी वहां पर पेड़ बना हुआ था। केसुड़ा का फूल, जो केसुड़ा का पेड़ होता है ना, वो होली के समय जो केसुड़ा के उसके अंदर फूल बनते हैं उसको अच्छे से घिस के बनाया जाता है, और वो घिस के एकदम से मस्त ऑरेंज कलर वो बनता है, और वो कलर से वो ये खेलते होली खेलने वाला जो कलर होता है वो पहले के समय में वो केसुड़ा के फूल से और उसको घिस के जो कलर बनाते थे वही कलर से होली खेली जाती थी। तो केसुड़ा ने झाड़ माना तो उसने नजदीक भी केसुड़ा का भी पेड़ था। केसुड़ा जोई ने जती राजी राजी कही गये जती ने नजर बड़ दादा ना खड़मी नीचे पड़ी, मतलब कि उसको पेड़ को देखकर वो खुश हो गया केसुड़ा का, और फिर एनी नजर वरदाता ने खड़मी नीचे पड़ी तो वरदाता ने आ भाग जमीन की अंदर जतो हतो, मतलब कि एना वरदाता ने खड़मी नीचे जो ये देख रहे हो ये सब जमीन की अंदर खड़मी नीचे, मतलब कि ये जो मूड़ होते मूड़ वो उसके अंदर जा रहे हैं वो। तो नजर खड़मी नीचे पड़ तो वरदाता आ भाग जमीन अंदर जतो हतो, जति ने एक इंची जोयो पर खेचालू नहीं। एना दादा ने पूछू दादाजी आ शू छे, मतलब कि उसके दादा को भी पूछा कि ये क्या है, दादाजी ने जवाब आपे आ वड नो मूल छे, उनके मूल जो जमीन के एकदम फैल जाते हैं और वो रूट मूल को रूट बोलते हैं, तो वो रूट एकदम से फैले हुए हैं और वो जमीन के ऊपर भी थोड़े थोड़े दिखाई देते हैं, वो जमीन के अंदर भी इतने फैले हुए हैं। तो आ वड़ो मूल छे ऊपर की लटकता देखा था पर मूल ज छे, मतलब कि ये आप देख रहे हो ये पेड़ ये लटक रहे ना उनको भी मूड़ी बोलते हैं, रूट बोलते हैं, वो जो लटकता ये होते हैं जो पेड़ है और उसमें झूले खाने की आप जब जाते हो तब उसके ऊपर पकड़ के झूले कैसे खाते हो, तो वो झूले खाने में भी मजा आती है बच्चों को, तो उनको भी बोलते हैं मूड। खेचाए नहीं एना दादा ने तो जति ने एक खेची जोड़ी, मतलब कि जमीन के अंदर जतो हतो पर जति ने एने खेची उसको खींच रहा था, खेचाए नहीं एना दादा ने पूछो दादाजी आ शू छे, दादाजी जवाब आप्यो आ वड़नो मूल छे, मतलब उसने खींचा तो वो खींच नहीं रहा था, फिर उसने बोला दादाजी ने ये वड़े का मूल है, ऊपर की लटकता देखा था पर मूरज छे, फिर वो ऊपर से लटकने वाला मैंने अभी दिखाया वो भी मूल ही बोलते हैं। एमने बड़वाई और गड़वाई जति ने एम लड़की जोई एने हिचका खावानी मजा पड़ी, और उसको मूड ही बोलते हैं, और उसको दूसरा नाम है या देख रहे हो लटकने वाले उसको दूसरे नाम से बड़वाई भी बोलते हैं। तो आपने देखा ये चैप्टर एक बार रीडिंग करे तो आप सब लोग घर पे अच्छे से रीडिंग करना इसको, अब हम आगे इसको एक्सरसाइज देखते हैं। नवा शब्द बाद पादर बड़वाई, पादर वाला बोला सीन में बड़वाई जो वो मूड बोला वो, और बाद उसको गले लगाना। जवाब आपको तमे कया कया झाड़ जोया छे वो तो आपको ही पता है कि आपने कितने पेड़ देखे हैं। आंबो अपने कई फल आते थे, आंबो अपने कौन सा फल आता है, अभी अभी जो खाने की मजा आती है
केरी, आमरस पीने में मजा आती है ना, तो वो उसको बोलते हैं, फल का नाम है केरी। केरी जामफल बोरा ने सु करवाए, केरी जामफल बोरा ने फल करवाए। झाड़ में कयो भाग लीलो छम होए छे, झाड़ में कयो भाग पांगड़ा, उसके जो पत्ते होते हैं वो हरे भरे होते हैं और लीला छम। जमीनी अंदर झाड़ में कयो भाग होए छे, जमीन की अंदर जो बने हुए होते हैं उसको बोलते हैं मूल। जाड़ो सौ जाड़ो भाग कयो होए छे, जाड़ो सौ जाड़ो भाग उसको बोलेंगे हम थड़। थड़ में जुदा पड़ता फाटा होने शू कहवाए, थड़ में जुदा पड़ता मतलब कि ये देखो आप पेड़ देख रहे हो, ये पेड़ तो ये थर्ड है, उसके अंदर से ये जो पत्ते जा रही है ना वो जुदा पड़ता मतलब अलग अलग हो रहे हैं, लाइन देख रहे हो आप, उसको बोलेंगे हम डाली। तो डाली हो हम बोलेंगे उसको, थर्ड माथी जुदा पड़ता फाटा होने डाली हो कहवा। तमें कया कया फूल जोया छे आपको ही पता है वो तो, कि आपने कितने कितने फ्लावर्स देखे हैं। वर्णा लटकता मूल में शू कहवाए, वर्णा लटकता मूल में बढ़वाई कहवाए। मैं आपको PDF दे दूंगी वो आप अपनी पेज और बुक में लिख लेना। गाओ तो ये चैप्टर ये यहाँ पर वरदाता रामी गाभी लम्बा लम्बा बा ओड़म फोड़म रमता रमता भूला भट्ट पड़िया बा ओ वरदाता आपो बेटा राता ने मुड़ी मोटा पची नमी सु आगे जाइने आटा ने बड़ी बाटा। जामुड़ो ये भी आप रीडिंग करोगे घर पे अच्छे से, आपको अच्छे से रीडिंग आ गई होगी। सांभो अनुबोल इन सब की आपको रीडिंग करनी है ये चैप्टर में। ये भी कर वदर तो बंधन, नदी तो नदी, रंग रंग तो रंग, ऐसे करके पढ़ना है। यहाँ पर कलर करने और तो अन्य रंग पूरो, यहाँ पर श शेरड़ी का स, जहाँ पर श दिखाई दे वहाँ पर थड़ नो थ, जहाँ पर दिखाई दे वहाँ पर कलर करने हैं। ठड़िया नो थ, थ से ठड़ियों पे थ दिखाई दे रहा है, ध से ढगलो यहाँ पे कलर करना है। आंगड़ी पैरो जहाँ पर एरो दिया गया है वहाँ पर लिखना है। टपका जोड़ो कहीं रखो, ये डॉट को ज्वाइन करके लिखना है। ये पेज में भी आपको डॉट को ज्वाइन करके और फिर नीचे भी लिखना है, अच्छे से करना एक्सरसाइज। कोरोना नाम सो दो अनिल को, ये जैसे सर्कल किया है केरी, ये दारम, सीताफल, चीकू, जामफल, तो बोल, केला, तो ये फलों के नाम यहाँ पर दिए हुए वो यहाँ पर लिखना है। मैं PDF भेजूंगी इसकी, तब आप अपनी नोटबुक में या डेस्कटॉप में लिख लेना। वाचो अने कहो, ये रीडिंग करनी है और उसको जोड़ो मैच करना है इसमें। आप ये मैच करोगे जोड़ो, जो ये बनाना है तो बनाने वाले ट्री के ऊपर, ये नारियल तो ये नारियल का ट्री है ये, तो आप ये नारियल का ट्री है और एप्पल, एप्पल के ट्री के ऊपर बाकी ग्रेप्स के ट्री, ये आम का, ऐसे मैच करना है आप घर पे मैच करना है। इसकी रीडिंग करनी है। मने भाई भाभी गमे छे, मोरी दीदी कापे छे, तो उसको यहाँ पर लिखना है। नीचे जो लाइन दी है वहां पर लिखोगे अलग तारो अनलग हो, अलग तारो अनलग हो, यहाँ पर जो अलग मतलब जो सबसे अलग पर है वो यहाँ पर लिखना है। जैसे कि टमाटर, करेला, भिंडा, मौसमी, सब भाजी, तो यहाँ पे जो अलग लग रहा है आपको उनको यहाँ लिखना है। उदाहरण मुजब रखो, सब भाजी है फल, यहाँ पर जो वेजिटेबल्स के लिए लिखोगे यहाँ फल के लिए,
केला, रिंगर, पपयो, तो इन सबको जहाँ पर फल है वहाँ पर फल और यहाँ पर वेजिटेबल्स। झाड़ फल आपे, झाड़ छायो आपे, झाड़ पान आपे, झाड़ फूल आपे, झाड़ लाकड़ू आपे, झाड़ बरसात लावे। या तो रीडिंग करनी है, चित्र जुओ अने जवाब आपो। ये किसका पिक्चर है? मेले का पिक्चर आप देख रहे हो। ये मेले में जाते होंगे तब, अभी तो एक साल हो गया, सारा लॉकडाउन है, तब से कोई मेला हुआ नहीं है, तो पर पहले गए होंगे आप मेले में, तब का पिक्चर आप देखा होगा। चित्र जुओ अने जवाब आपो, ये पिक्चर देखना है। तमे दिवाली में शू करो छो? दिवाली में सब क्या करते हो? पटाखे फोड़ते हो। तमे पतंग क्यारे चढ़ावो छो? जब उत्तरायण संक्रांति पे पतंग चढ़ाते हैं। तमे कयो त्यौहार वधु गमे छे? ईदना दिवसे शू करो छो? ईद मुबारक कहे, यहाँ पर देख रहे हो, ईद मुबारक करते हैं। नाताल में त्यौहार केवी रीते उजवतो छो? जब क्रिसमस का त्यौहार आते हैं, तब कैसे सेलिब्रेट करते हो? ये भी छोटा जोड़ो मैच आपको करना है, तो हम करेंगे मैच। ये राखी के त्यौहार पे लाइन की गई है। अब ये होली का त्यौहार, यहाँ पर हम होली के कलर से वहाँ पर करेंगे। और ये सांता क्लॉज आपको दिख ही रहा है, यहाँ पर आप क्रिसमस ट्री पे करोगे। उसके बाद ये ईद मुबारक कर रहा है, तो ये यहाँ पर आप करोगे। ओके, ये मैच आपको घर पे करने हैं, तो ये वाला मैच आप टेक्स्ट बुक पे करोगे, वो एग्जाम के लिए आएगा। और बाकी जो मैंने ये पहले मैच करवाया था वो भी आप टेक्स्ट बुक में कर लोगे। ये वाला मैच वो भी आप टेक्स्ट बुक में कर लेना, तो ये मैच आपको एग्जाम के लिए याद करने हैं। बाकी आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ओके, आपने समझ में आ गया, तो अब हम जब मैं पीडीएफ भेजूँ इसकी, तब आप इसे पेयर नोटबुक में लिख लेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।